दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 अक्टूबर 2020 के डेट में रिलीज किए गए 1 से 5 और 6 से 8 तक के मेरिट लिस्ट के अपडेट के बारे में। और आज के डेट में टोटल जो है 8 जिलों के रिगार्डिंग अपडेट निकल कर आ रहा है। और आज 1 जिले का जो अपडेट है 6 से 8 तक के फाइनल मेरिट लिस्ट से भी संबंधित है, तो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, देखिए ये है हमारी वेबसाइट naukrikollo.com और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आपको 1 से 5 तक के औपबंधिक मेधा सूची का, फिर 6 से 8 तक के फाइनल मेरिट लिस्ट का और 6 से 8 तक के औपबंधिक मेधा सूची का जो तीनों पेज है उनका लिंक आपको मिल जाता है। ओके, और इन तीनों पेज का डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डायरेक्टली आप जा सकते हैं। और जो भी आपको मेरिट लिस्ट का PDF डाउनलोड करना होगा आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, आज के बारे में सबसे पहले बात करें तो जो अपडेट है ये है भागलपुर जिला से। और यहाँ पे भागलपुर जिला में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 6 से 8 तक के फाइनल मेरिट लिस्ट का किस नियोजन इकाई का अपडेट है। एक ही जिला से अपडेट है, भागलपुर से है। यहाँ पे हम नियोजन यूनिट का नाम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो सनौला ब्लॉक है, सनौला ब्लॉक, ओके, तो सनौला ब्लॉक का यहाँ पे 1 से 5 तक का अपडेट तो है ही, यहाँ पे 6 से 8 तक के फाइनल मेरिट लिस्ट का भी अपडेट है। यहाँ पे 6 से 8 के फाइनल मेरिट लिस्ट का यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग से PDF यहाँ पे रिलीज किया गया है। ओके, और यहाँ पे आपको बतला देते हैं 1 से 5 तक के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं सनौला ब्लॉक का ही यहाँ पे 1 से 5 तक का निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे ओनली 1 से 5 तक के उर्दू शिक्षक का PDF दिया गया है, यहाँ पे जनरल टीचर का यहाँ पे PDF नहीं है इसमें। ओके, तो अभी यहाँ पे उर्दू शिक्षक का ही PDF रिलीज किया गया है। बात करें यहाँ पे अगला जो अपडेट है यहाँ पे सबौर ब्लॉक का है, भागलपुर जिला से ही, और ये 1 से 5 तक का सभी अपडेट है, यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज के अगले जिला की अपडेट की तो ये है अररिया जिला। और अररिया जिला में नीचे में आइएगा तो आपको देख सकते हैं बहुत सारे पंचायतों का अपडेट मिलेगा। यहाँ पे 30 सितंबर डेट मेंशन है लेकिन ये आज ही के डेट में अपडेट किया गया है, यानी 3 अक्टूबर के डेट में। ओके, यहाँ पे देखिए कुर्सा कुंटा पंचायत सहित यहाँ पे बहुत सारे पंचायतों का अपडेट किया गया है। यहाँ पे 10 पंचायत इधर है और 2 पंचायत अग्नि नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे, तो 12 पंचायतों का अपडेट किया गया है अररिया जिला से। आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा और हमारे वेबसाइट पर आपको डेट के साथ में मेंशन मिल जाएगा कि आज के डेट में किन किन पंचायतों का अपडेट किया गया है। बात करें यहाँ पे अगले जिला की तो ये है जहानाबाद जिला। ओके, और जहानाबाद जिला में 3 अक्टूबर के डेट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट है। सबसे पहले बात करें तो ग्राम पंचायत बौरी का अपडेट किया गया है, एक ही PDF है। और यहाँ पे आइएगा तो ग्राम पंचायत भाथू का अपडेट किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे PDF रिलीज किया गया है, देख लीजिएगा पार्ट वाइज करके हैं। फिर यहाँ पे जहानाबाद जिला से जो अगला नियोजन इकाई है ये है गोलखपुर। ओके, गोलखपुर पंचायत का यहाँ पे बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे PDF रिलीज किया गया है, तो इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें आज के यहाँ पे अगले जिला की तो ये है मधेपुरा जिला। और मधेपुरा जिला में नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रामपुर ब्लॉक के अंडर में मुरलीगंज का यहाँ पे अपडेट है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पदवा नौतोल जो यहाँ पे ब्लॉक है उसका अपडेट है। ओके, फिर पंचायत लेवल के है या फिर ब्लॉक लेवल के आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हैं नाधी मुरलीगंज का अपडेट यहाँ पे किया गया, ये PDF है। ओके, और फिर यहाँ पे एक और अपडेट है आपको खुरहन आलमनगर का जो ब्लॉक है वहाँ का अपडेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे 4 अपडेट किया गया है मधेपुरा जिला से। बात करें आज के अगले जिला की अपडेट की तो ये है मुजफ्फरपुर जिला से। और मुजफ्फरपुर जिला में बहुत सारे पंचायतों का अपडेट है। सबसे पहले देखिए 3 पंचायत यहाँ पे है, मोतीपुर पंचायत, कुधनी पंचायत और कतरा पंचायत। इसके अलावा फर्स्ट पेज पर भी यहाँ पे 10 पंचायतों का अपडेट है, यानी 13 पंचायतों का अपडेट किया गया है मुजफ्फरपुर जिला से। यहाँ पे अन्य 10 पंचायतें यहाँ पे है, देखिए मुरौल पंचायत है, मुसहरी पंचायत है, और मुसहरी का यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया गया है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके भी बहुत सारे पंचायतों का है, तो हो सकता है यहाँ पे 13 पंचायतों का अपडेट न देकर 7-8 पंचायतों का ही अपडेट हो, क्योंकि और पार्ट वाइज करके दिया गया है, 13 कॉलम में इसे जो है रिलीज किया गया है। बात करें आज के अगले जिला की तो यह है पूर्णिया जिला। और पूर्णिया जिला में 3 अक्टूबर के डेट में 1 अपडेट है और देख सकते हैं धमादहा जो पंचायत है या फिर धमदहा ब्लॉक के अंदर में जो पंचायतें हैं उनका अपडेट किया गया होगा, तो इसे भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। एक मिनट, मैं आप सभी को बतला दूं यहाँ पे कि जो धमदहा पंचायत है यहाँ पे 1 से 5 तक का भी अपडेट है और साथ ही साथ यहाँ पे 6 से 8 तक के शिक्षक नियोजन का भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है धमदहा पंचायत का, पूर्णिया जिला से है। तो 1 से 5 तक वाला तो आपको PDF 1 से 5 तक में मिल जाएगा और 6 से 8 तक का यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया धमदहा ब्लॉक का, तो इसका भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में, तो इसे जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
छः से आठ तक के फाइनल मेटलिस्ट वाला जो पेज है हमारा, वहाँ से बात करें आज के अगले जिला की अपडेट की, तो ये है सारण जिला। और सारण जिला में यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर के डेट में पानापुर ब्लॉक के वेरियस पंचायतों का अपडेट है, मढ़ौरा ब्लॉक के पंचायतों का अपडेट, दरियापुर के ब्लॉक के पंचायतों का अपडेट किया गया है आज के डेट में, यानी 3 अक्टूबर के डेट में। बात करें आज के अंतिम जिला की अपडेट की, तो यह है वैशाली जिला। और वैशाली जिला से एक अपडेट है, आप यहाँ पे देखिए मनहर जो ब्लॉक है उसके अंदर के पंचायतों का अपडेट यहाँ पे किया गया होगा, आप इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा, 8 MB का PDF है। तो ये कुछ अपडेट है जो कि 8 जिलों के संबंधित था। और आज के डेट में 2 जिलों के फाइनल मेडलिस्ट का भी अपडेट था, और उसके अलावा यहाँ पे 8 जिलों के 1 से 5 तक के अपबंधिक मेधा सूची का भी अपडेट था, सो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।